देखिए जनपद में इसमें वायरल फीवर का सीज़न चल रहा है। तमाम मरीज ऐसे हैं जो कि सामान्य बुखार से पीड़ित हैं और उस तरह के उनके सिम्टम मिल रहे हैं, और कुछ मरीजों में जो कि वायरल फीवर होने में भी प्लेटलेट्स की संख्या में काफ़ी कमी हो जाती है। प्रारंभिक स्तर पर लोग प्लेटलेट की संख्या कम जानते हुए डेंगू से संक्रमित हो जाते हैं, ठीक ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है। जो स्पोरेडिक केसेस डेंगू के हैं उसका हम लोग विधिवत इलाज कर रहे हैं, तरह की कोई समस्या नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर उनको प्लेटलेट की भी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अदर ब्लड बैंक्स में भी प्लेटलेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उनका इलाज कर रहे हैं। और यही नहीं, नगर निगम से भी निवेदन है कि वो फॉगिंग स्टार्ट कर दे अपनी, और जिन क्षेत्रों से ये मरीज रिपोर्टेड हो रहे हैं उन क्षेत्रों में, उन कॉलोनियों में फॉगिंग शुरू कर दी जाए, जिससे कि एडीज इजिप्टाई मच्छर पर काबू किया जा सके, एंटी लार्वल मेजर्स लिए जा सके और डेंगू की इस बढ़ती हुई तादाद को रोका जा सके, ताकि यह भयावह अलार्मिंग सिचुएशन जनरली हर साल के अक्टूबर और नवंबर के माह में होती है, लेकिन इस साल यह सिचुएशन थोड़ा और ज़्यादा भयावह लग रही है, क्योंकि इस साल विशेषकर पिछले हफ्ते से अचानक प्लेटलेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि हमारे भी देने की क्षमता से ऊपर होता जा रहा है।